हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल एरा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये लाइन है। डिफरेंशिएशन को हम लोग डेरिवेटिव से बोलते हैं। अगर मैं इस लाइन के एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दूँ, ये हो जाएगा, इसका हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसको एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक मैप ले लें इंडिया का, तो उसको डेरिवेटिव करना है, मतलब जो इंडिया का मैप है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। तो हम लोग पहले स्टेट में बांट लेते हैं, उसको फर्दर विलेजेस में बांट लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, पहले हम लोग वो देखेंगे। एक मेरे पास कोई वेरिएबल है वाई, इसमें वेरिएबल नहीं बोलेंगे, इसमें हम लोग बोलते थे फंक्शन। फंक्शन है वाई, फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो वाई है उसका जो मतलब फंक्शन रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से ले लेती हूँ, y इज इक्वल टू 3x² + 2x + 1। तो ये इसमें y को हम लोग फंक्शन बोलेंगे और इसमें ये जो x है वो वेरिएबल होगा। y फंक्शन इसलिए है क्योंकि ये एक वेरिएबल के फॉर्म में है। तो हम लोग बोलेंगे एक फंक्शन है y, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x, फंक्शन f ऑफ x, और इसकी वैल्यू क्या है, 3x² + 2x + 1। तो इस चैप्टर में डेरिवेटिव्स में एक कोई भी फंक्शन है y, वो किसके इक्वल है, u प्लस v या फिर u माइनस v, मतलब एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, ठीक है। तो हम लोग जब डेरिवेटिव्स करते हैं तो क्या होगा, हम लोग लिखेंगे dy/dx, या फिर हम लोग बोलते हैं ddx ऑफ y, मतलब जो y फंक्शन है उसका हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अभी डेरिवेटिव किससे लेना है, जो उस फंक्शन में वेरिएबल रहेगा। अभी इसमें y किसकी फॉर्म में है, x की फॉर्म में है, तो हम लोग करेंगे dy/ddx, या फिर बोलेंगे ddx ऑफ फंक्शन y। इधर जो वेरिएबल रहेगा विद रिस्पेक्ट टू उसी वेरिएबल के हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। अगर ये ऐसा होता y इज इक्वल टू 3t² + 2t, तो हम लोग लेते ddt ऑफ y, मतलब जो ये फंक्शन है हमारे पास y, उसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, बिकॉज जो y फंक्शन है उसमें वेरिएबल है t, वो t की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर जो हमारे पास फंक्शन है वो सम की फॉर्म में है u प्लस v, तो हमारे पास हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू du/dx + dv/dx। तो जब हम लोग इस y का डेरिवेटिव लेंगे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर वो सब्ट्रैक्शन में है तो बीच में माइनस साइन आ जाएगा, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। ये पहला रूल है हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन का हो गया है। अब नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। y है इज इक्वल टू यू इंटू वी, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, पहला फंक्शन हम लोग एज इट इज रख लेंगे, ये दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये रहा dv/dx, देन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, ये सेकेंड एज इट इज आ जाएगा और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब थर्ड आता है जब डिवाइड की फॉर्म में हमारे पास फंक्शन y है इज इक्वल टू यू ओवर वी, तो डेरिवेटिव हो जाएगा जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। नेक्स्ट अगर हमारे पास है y इज इक्वल टू के यू, अब यहाँ पे k कॉन्स्टेंट है, जैसे मेरे पास है y इज इक्वल टू 3x, ठीक है, तो हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, कॉन्स्टेंट नंबर है वो बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ वो वेरिएबल का डेरिवेटिव हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंट को बाहर एज इट इज रख लिया है, अंदर जो यू है उसका डेरिवेटिव हो गया। ये तभी अप्लाई होगा अगर के कॉन्स्टेंट है, अगर के हमारे पास वेरिएबल होता तो ये मल्टीप्लाई वाला रूल लग जाता, रूल नंबर सेकेंड। देन अब हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, लाइक डेरिवेटिव ऑफ फाइव, डेरिवेटिव माइनस टू, डेरिवेटिव 1/2, कोई भी प्रॉपर नंबर उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट ddx ऑफ x, मतलब डेरिवेटिव हम लोग ले रहे हैं x का रिस्पेक्ट टू x, वो होगा हमेशा 1। अगर होता है dx/dy तो उसका आंसर 1 नहीं आएगा। अगर मैं लू dy/dt उसका आंसर 1 नहीं होगा, जो ऊपर है और जो नीचे है वो सेम होना चाहिए, तो उसका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, अब x यहाँ पे वेरिएबल है, n कोई भी नंबर है, कॉन्स्टेंट है, तो क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, x एज इट इज पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, हमें डेरिवेटिव निकालना है x की पावर 2, तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी 2, देन x एज इट इज पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बन जाएगा 2x। नेक्स्ट
डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा ए की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स. फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव लेना है ए की पावर फोर, तो क्या आएगा ए की पावर फोर साथ में लॉग फोर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो उसका आंसर ई की पावर एक्स ही रहेगा. नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, वो आ जाएगा हमारे पास 1 बाय एक्स. डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स, ये जो 11th है और ये जो 12th है ये दोनों 7th के ही पार्ट्स हैं. कैसे, हमारे पास डेरिवेटिव है 1 ऑफ 1 बाय एक्स, ये ले लिए डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर माइनस 1. तो हमने ये किया है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा और पावर में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे भी हम लोग पावर आगे कर लेते हैं और पावर में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आ जाएगा माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 3, ये माइनस 1 आ जाएगा. तो हमारे पास बन जाता है माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 2. तो इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर. तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला है माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स, ये भी इसी का सब पार्ट है 7th का, रूट एक्स. अब मेरे पास है क्वेश्चन डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1 बाय 2, पावर आगे आ गई और पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो गया, तो बन जाएगा 1 बाय 2 एक्स की पावर माइनस 1 बाय 2. इसे ऐसे लिख लेंगे 1 बाय 2, ये पावर नेगेटिव में नीचे पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये बन जाएगा 1 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2. ये फॉर्मूला के फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन जब बहुत बड़े बड़े रहते हैं हम लोग इन दोनों पे डायरेक्ट ये रिजल्ट अप्लाई कर लेते हैं. नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी. अभी ये टी किधर से आया, हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स. अगर वाई ले लें हम लोग लाइक 3t स्क्वायर और एक्स को ले लिया मैंने 5t³. अब जो वाई फंक्शन है उसमें वेरिएबल टी है, मतलब वाई टी की फॉर्म में है और एक्स भी टी की फॉर्म में है, बट हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी टी भी नहीं निकालना, डी एक्स बाई टी टी भी नहीं निकालना, क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स. तो ये कैसे निकलेगा, जो वाई है टी की फॉर्म में तो पहले निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, इसको डिवाइड कर देंगे डी एक्स बाई डी टी से. तो ये जो हम डिवाइड कर देंगे वो जो आंसर होगा वो डी वाई बाई डी एक्स का ही आंसर होगा. करके देखते हैं, डी वाई बाई डी टी है, इसका डेरिवेटिव लेंगे कॉन्स्टेंट एज इट इज, ये पावर है वो आगे आ जाएगा और पावर में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये आ जाएगा 6t. और डी एक्स बाई डी टी निकालें, कॉन्स्टेंट तो एज इट इज बाहर रह जाता है, हमने किया है ये पार्ट नंबर 4 में, फॉर्मूला नंबर 4 में कॉन्स्टेंट एज इट इज रह जाता है, जो अंदर फंक्शन रहता है वेरिएबल रहता है उसका डेरिवेटिव होता है. तो ये 5 एज इट इज, अभी वही फॉर्म है एक्स की पावर एन जो 7th किया हमने, तो इसमें पावर आगे आ गई और पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो गया, ये बन जाएगा 15t स्क्वायर. अब ये देखिए ये 1t और ये स्क्वायर चला जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 6/15t, यहाँ पे बोल सकते हैं 6/15t की पावर माइनस 1. नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर डी एक्स बाई डी वाई. अगर मेरे पास डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू पता है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो जस्ट हम लोग इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. तो ये है हमारे पास बेसिक फॉर्मूलाज डेरिवेटिव चैप्टर के.